and I'm in my company now. Okay. Yeah, we work for TikTok. You work for TikTok? Okay. Yes. Have you joined agency? We are business partner with TikTok. Okay. Never try agency. Never. Okay. You can follow me to the later. I will go to my work. I'll give you follow back and then I will speak to you, okay? Okay, because there's some different discussion carry on, so sorry, apologies. By the way, where are you from? I'm from United Kingdom. Okay, United Kingdom? Yeah, UK. Oh, that's awesome, brother. I followed you. Oh, nice one. I follow you. Thanks. No problem. Later, I will text you. Check your inbox, okay? No problem, brother. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. मुफ्ती साहब मैंने एक बात पूछनी है फिर जाना है जी 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 इजाजत है जी मुफ्ती जी, जी बोलो जी मैं असल में टिकटॉक ज़्यादा ये लाइव शो में ज़्यादा आता नहीं मैं वैसे ही देख रहा था टिकटॉक तो एक ये कादियानवी के बहुत ज़्यादा इस तरह एक्टिव है ना आजकल वो तो आते रहते हैं ना तो मैं इग्नोर करके चला जाता था लेकिन उस दिन मैं ऐसे ही ग्रुप में मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो उसने माइक पे उठाया मुझे तो फिर बात चलती रही उसने तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन से फिर कैसे हो ना तो मैंने कहा तुम पहले बात करो फिर मैं बताता हूँ तुमने तुम्हें तो उसने कहा कि तुम मौलाना कासिम नानोतवी को जानते हो मैंने कहा जानता हूँ जिसने देवबंद का क़याम किया तो कहा कि अच्छा वो सही है फिर उसने मुझे कहा कि रज़ा अहमद ख़ान बरेलवी साहब ने इस पे फतवा लगाया था कि ये उलमाए देवबंद काफिर है तो मुझे कहा कि तुम अब कौन से को काफिर मानते हो फिर उसने मुझे मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है हमारे उलमा का काम है वो इस पे बात करेंगे तो उसने कहा कि एक हदीस बताया मुझे कि जो बंदा अपने भाई को काफिर कहेगा तो वो उनमें से एक काफिर लौटेगा मैंने कहा मैं कैसे मानूं कि ये सही हदीस है उसने कहा सही मुस्लिम की हदीस है अब मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं ये मुफ्ती साहब को पता होगा तो फिर मैंने कहा कि मैं देवबंदी हूँ लेकिन मैं बरेलवियों को मुसलमान समझता हूँ अहले हदीस को भी मुसलमान समझता हूँ लेकिन उसने कहा कि रज़ा अहमद ख़ान बरेलवी साहब ने तुम पे फतवा लगाया है कि देवबंदी काफिर है तो अब या तो तुम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से इनकार करो और या इन में से एक को तुम काफिर समझो और मैंने उसने मुझे फंसाया पर मेरे पास जवाब नहीं था मैं वहाँ से डीप डर के आ गया फिर लेकिन आप अगर इस बारे में कुछ बता दें तो आप खुद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को क्या समझते हैं लांती खंदीर समझते हैं क्या हाँ जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद का मैं देवबंदी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को क्या समझते हैं आप खंजीर लानती समझते हो अच्छा तो बात यह है कि ये कादियानियों का तरीका होता है कि मौजू से हटाने के लिए देख लेते हैं कि आगे बंदा कौन सा है तो देवबंदी है तो उसको बरेलवियों के हवाले दिखाएंगे तो अगर कोई बरेलवी हो तो उसको देवबंदियों के कुफर के फतवे दिखाएंगे वाबियों के कुफर के फतवे दिखाएंगे तो ये इनका तरीका कार होता है तो इस पर इतनी तवज्जो ना दी और ये हदीस सही है हदीस तो वो पेश करेंगे तो फिर ही देखेंगे कौन सी हदीस है उसने बताया कि ये सही मुस्लिम का हदीस है मैंने खुद पढ़ा पूरा वो रेफरेंस लेके अच्छा रेफरेंस लाएंगे उसको लिखेंगे परखेंगे सही तो आप क्या कहते हैं उनसे बात करना चाहिए कि मुझे तो गुस्सा आता है फिर मैं गालियां देने के लिए गया था ना वो आपकी अपनी अब खुशी आप बात करें ना करें हाँ लेकिन हम अगर उनको जवाब दें तो इसमें गुनाह तो नहीं है ना अगर आप आलिम हैं तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा क्या हूँ आलम दीन अगर आप हैं तो फिर आपको कोई गुनाह नहीं होगा नहीं मैं आलमी दीन नहीं हूँ जी मैं तो मलेशिया में आप अपने उलमा को ही सुना करें आप क्यों जाते हैं इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ
हाँ नहीं नहीं जाया अच्छा लेकिन उल्टी सीधी बातें करते हैं फिर गुस्सा आता है। मैं तो ना उल्टी सीधी तो तब आपके कान में पड़ेंगे जब आप उनकी ब्राड पे होंगे। जब आप उनकी अच्छा। ब्राड पे होंगे नहीं तो उल्टी सीधी आपके कान में पड़ेंगे नहीं। जी जी ये हक साहब म्यूट कर दे शायद भाई शोर आ रहा है उनकी तरफ से। ये इहतिशाम साहब आपकी बात क्लियर हो गई है? जी 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 सर शुक्रिया जी। चलें ठीक है आप म्यूट लगा लें अगर बैठना है तो म्यूट लगा लें क्योंकि आपको बहुत शोर आ रहा था। ठीक है माजरा चाहता हूँ आपको म्यूट लगाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कासिम की हाल है भाई इसके? ठीक है ठीक उस्ताद जी बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र जी अल्लाह पाक। कासिम तू अजे तक अपना कोई हदफ नहीं मेनू लिखवाया जामिया खत्म नबूवत दे बारे भाई? मैं इंशाल्लाह जल्द लिखवा दूंगा उस्ताद जी। वे लो फिर तुसी मैं नाम ते तुहाडे सारेयां दे लिखे ने लेकिन अजे तक ना अपना हदफ नहीं लिखवा रहे। अपने मुंडे दूर दूर रहनगे ते फिर की बनना है? नहीं नहीं उस्ताद जी इंशाल्लाह जरूर। हाँ मेहरबानी शफकत प्यार मोहब्बत करी दा हुंदा भाई। कोई कल तुहानू मैं तुहाडी ड्यूटी लग गया सा फिर आउटपुट कुछ मिली सी के नहीं? नहीं मुफ्ती साहब रात की मैं की कहंदे ने तुसी गए हो ते मैं कोई मेरे ख्याल नाल तुहाडे पिछे 5-10 मिनट बाद ब्रॉड बंद कर छड़ी सी। अच्छा इंशाल्लाह ताला अज तो जेड़ा वे ना मैं अज राती जेड़ा वे ब्रॉड क्लासा स्पेशल मेरे ख्याल ना रमजान दे एंड तक जेड़ा वे ना इस चीज ओही ना रमजान दे एंड तक जेड़ा वे साडा जेड़ा वे टारगेट है ते सारे दोस्तों नु नाल लाओ यार है इंशाल्लाह। उसे मैं बैठा था सा अमर नजीर साहब की लाइफ से तो उसे बड़े ठंडे ठंडे हवाले दे रहे थे। मैं तो इतों चला जिन्हें नाले एक दो बंदा सी उन्होंने मैं पसंद नहीं करता। हाँ जी ओ मैं देख रहा था साहब तब ओ ही ना उस मौजूद तो ना गल करांगा मैं पर्सनल दे विच बड़े अजीब जे हालात ने इत्थे ना बंदियां नूं लभना ते बंदियां दी परख मुश्किल हो गई है ते असी ते वेखो ना करतूतां तो ही बस जानना हुंदा है शायद भाई सानू की पता है अगले दे ढिड दे विच की है जां की है ते लेकिन इन्हां दीआं करतूतां जिहड़ीआं ने ना ओह सानू दसदीआं ने बड़ा कुछ दसदीआं ने कि मामला तां डगरगुण है मुफ्ती साहब डगरगुण है गुटरगुण है हां गुटरगुण हां जी इंशाल्लाह कोई नहीं। मैं एक गल जानना मुफ्ती साहब के जिस पास के उत्ते सी काम पे करने है ना ठीक है इस सिर्फ ते सिर्फ अल्लाह ताला दी खुशनूदी ते मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जहाना दे मालिक सिर्फ ते सिर्फ उन्हां से काम करने में बेशक है जी। इहदे च जिहड़ा बंदा दो नंबरी करेगा ना ठीक है मनु देख लो सारी दुनिया बुरी कहंदी है ठीक है मैं गालां कढ़ना वा मैं करना वा वह करना यारा जो तुसी गालां खाण वाले काम करोगे तो फिर मेरे मुंह चो गाल ही निकलन लगी ना जो तुसी इंसान दे बच्चे बनोगे नहीं तो जो इंसान दे बच्चे बनोगे तुसी नौज बिल्ला ए जिहड़ी ना मिर्दे दी सुन्नत है मैं उस ब्रॉड दे उत्ते तुहानू ते कादियानियां नू ते खुश होना चाहिए भाई वाह
मुफ्ती साहब हजरत मसीह मौऊद दी सुन्नत ते शाहिद भाई अमल कर दे ने यकीन मनो कि मैं उस ब्रॉड दे उत्तों ना सिर्फ एक मैसेज वजह ठीक है उत्ते जनाब ओनू मूत्र शलवार किया जा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है किसी पता ही नहीं मेरी ब्रॉड के उत्ते इतने आ गए ओनू मूत्र शलवार कवे ना कोई मनु लत लत रख के चीर सुना खंजीर आदमी है किसी की जरूरत कोई यह गल करे वो एक लानती शक्त है ओनू कंजीर कवो ओनू जंदीक कवो जेडे 100% पर जेडे वर्ड ने ओनू डिजर्व करते हैं जी उस्ताद जी अज ना उन्हां चंद बंदियां चों आज आज एक बंदे ने अपना शिकाल पेश कीता के मेनू हदीस ते जेड़ा बिना ओ इत्माद है मेनू हदीस ते मेनू हदीस ते इतबार इतबार नहीं हां जी मेनू कुरान ते है वे लेकिन केड़े बंदे ने नाम लवो उस बंदे जी उनका नाम है आर यू एफ रफ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਹੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਫ ਜੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਹੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਰਫ ਵੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਏ ਬਿੰਤੇ ਮਰੀਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਚਮਚੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਕੀ ਰੋਲੇ ਰੇ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਆਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਫਜ਼ੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਾਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਾ ਉਧਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਸਿਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਿਬੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਿਬੜੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸਮ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੇਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੇਮ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਹੈਂਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਹੈਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਮਸਕਰ ਉਡਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਬਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਬਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਖੈਰ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਜਵਾ ਚਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ 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 ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਈ ਜਾਂ ਕਾਸਿਮ ਬਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਾਈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਿਕਲਣ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਸ ਉੱਥੋਂ
या फिर बहना है तो फिर उस्ताद मोहतरम के हुक्म के मुताबिक मतलब दबा के रख दियो, फिर फटे चक दियो। ऐ वे तरीका कर हुंदा है पिछले बंदियां दा, फिर ऐ काम हुंदा वे। ऐ काशिफ ने बड़ी अच्छी एक गल नोट कराई है कि भाई मेरा उस उथों निकलना बगैर दस्यो, जो मैं दस के जावा ना तो समझो कि भाई ओ तो चलो ठीक है खुद गए, लेकिन बगैर दस्यो जो मैं छड़ा ना वो समझ लो फिर रोला है कुछ। वो फिर पिछले बंदियां दा काम है के पालो लम्मे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। वाले की हाल है शायद भाई? की हाल है मुत्सा भाई? खैरियत से? ठीक है जनाब जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर छोटी जी अर्ज है इस मसले पे के साडी माशाल्लाह जड़ी ब्रॉड है शायद भाई माशाल्लाह बड़े सोहने तरीके नाल चला रहे ने, मेरे को 3-4 दिन हो गए ने सुन लिया मेहरबानी। ते एहो जी साडी एक दो बोडो होर होवन जिन्हां दे हक दी ते सच दी बात कीती जाए, हजूर दे खतबे दी चौकीदारी कीती जाए जनाब, ते कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाए फोरम के कम अज कम 2-3 फोरम होर होवन जिन्हां ते क्लीयर कट जो है सुरत हाल वासे आवे। इत्थे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा दिल खुश होंदा है गुफ्तगू सुन के, अपने अकीदे दी अपने ईमान दी हिफाजत हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह तुहाडे इलम में बरकत पावे, शायद भाई नूं अल्लाह खैर दे। आमीन। बात है वे के जनाबे मोहतरम 2-3 की साडियां ते दसियों बराडा चल रही ने माशाल्लाह अलहमदुल्ला, ते ऐ जिन्ने मुंडे बैठे जे इस टाइम सारे ही तकरीबन बराडा करदे ने, ते तुसी फॉलो कर लो ना सारियां नूं, ते ओ फिर मुख्तलिफ बराडा दे उत्ते तुसी शिरकत कर सकदे हो इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह क्लीयर ब्राड ए वे ना के इसने क्लीयर गल होंदी है सारी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगे पिछे इतनी क्लीयर सूरत हाल नहीं है, उत्ते बंदे थोड़े कंफ्यूज होए ने। नहीं ए, मैं जेडे बंदे ने ना बड़े होंदे ने ए, मैं इना दा तुहानू जेडी ए वसूक नाल कह सकना वा कि इत्थे तुहानू कोई डंडी नहीं मिलेगी। राजपूत बैठा है, कासम बैठा है, खत्मे नबूत फोरम बैठा है, गुजर बैठा है, बाजी चंदा बैठे ने, समझ आई कि नहीं? ते माशाल्लाह मुजाहिद खत्मे नबूत है जी सारे। हां जी, इथे तुहानू ना कोई डंडी नहीं मिलेगी, जो है वे हक सच ही मिलेगा, ते चीजा दी वजाहत ही मिलेगी। ते हज़रत मैं ते इसनू सब तो बड़ा जात समझना इस दौर दा, अमर जईया दे मुंह ते जूता मारना बेशक जी, सब तो बड़ा जात इस दौर दा। इहदे च ते असी ते वेखो ना सवाब दी नीयत ना कर रहे असी, केड़ा कोई सानू इज्जत दी जंग करना सब तो बड़ा जात है जनाब। बेशक हैं जी, बेशक हैं जी। अच्छा ते कह रहे सर के भाई उन्हां बंदे नाल असीं गल नहीं करनी जिहड़े बंदे गाड़ियां दे नाल नूं अपना कीदा अकीदे दा हिस्सा समझदे ने। ए गल नहीं समझ आई तुहाडी, की कहा जे? मरदईयां दे बरोड़ ते कह रहे सर मरदई, उस बंदे नाल गल नहीं करनी जिहड़े बंदे गाड़ियां दे नूं अपने अकीदे दा हिस्सा समझदे ने। अच्छा, ते फिर ते सानूं ते कादियां नाल गल नहीं करनी चाहीदी, और मिर्जे कादियानी दी फिर गल नहीं करनी चाहीदी कि भाई मिर्जा कादियानी ते जेड़ी गल करदा सी ओ गालां दे नाल करदा सी। गालां कर बिल्कुल करदा सी, बिल्कुल है। ते फिर ते कादियानियां नूं मिर्जे कादियानी नूं भी छड्ड देना चाहीदा है, बिल्कुल छड्डना चाहीदा, सही बात है। सब तो ज्यादा गालां ही करदा, कायदा कुली है कि भाई गाली गलोच करन वाला दी गल ना सुनो, ते फिर ते मिर्जे कादियानी नूं ही छड्डो, ऐलाने बराद करो भाई, क्योंकि ओ ते गालां कढ़दा हुंदा सी, ओ गाल तों अलावा गल नहीं सी करदा। 1379 ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਚ ਕੋਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, कैसे हो? शाहद भाई कैसे हो तुसी? काफी दिन हो गए सलाम दुआ नहीं हुई। मुफ्ती साहब रात नू हसैनी साहब दी ब्राड ते ना ओ जंबा ग्रुप वाला आ गया सी, एक पता चले था? हां जी, ओ वे तारिक चौहान। हां जी, मुफ्ती साहब उन्ने दे ऐसे दलायल दिते के अद्धे जी। हां, मैं सारी गुफ्तगू सुनी सी, और तारिक चौहान नाल मेरी अपनियां भी डिबेटां काफी हो चुकियां ने व्हाट्सएप दे उत्ते, ते मैं थले कॉल पा के बैठा सी, लेकिन उन्ने इन्ना मैनू चुकिया नहीं सी कॉल ते, मजा बड़ा आना सी, चस बड़ी आनी सी,
एक दो हवाले मैं भी पेश करने सन ते उथे फिर ना उथे दंगल लग जाना सी। हाँ जी हाँ जी मुफ्ती साहब उन्होंने मिर्जे नूं डिकलेयर करता 13वीं सदी दा मुजद्दद और 14वीं दा जंबा नूं और रात दे अद्धे कादियानी हुण जंबे नूं रिसर्च करन तुर पए ने। ओ जकी गुलाम दे उत्ते गल होई ते ओदे उत्ते भी मेरे कोल भी हवाले सन। मेरी भैन दा फोन आया वो मैसेज आया कि ओ पाकिस्तान हुंदी कराची कहंदी कोई जंबे दा लिंक मिल सकदा रात दा सुनिया ओ मुजद्दद है यानी कि मतलब किहड़े पासे टुर पे ने मुफ्ती साहब। नहीं नहीं ओ सिर्फ मुजद्दद नहीं जे मेरे चैनल खत्मे नबूवत टाइम दे उत्ते वीडियोस मौजूद ने जिदे च मैं साबित कीता है कि जंबा कहंदा कि ओ भी नबी रसूल है ओदे उत्ते भी वही नाज़िल हुंदी है। सुनिए पहले मैं करदा हुंदा सां के अब्दुल गफार जंबा हर हफ्ते ना जुमे का खुतबा दिंदा हुंदा सी जुमे का खुतबा मैं सुनना करना ते ओदे विचों कुछ पॉइंट नोट करके ओदे ते फिर वीडियो मैं बनांदा सी। हर कोई अपने चैनल ते लाए टोनी ने राती जिहड़ी गल जज्बात च आके कही ना ओ इह के साडे वास्ते पंज तन पाक जिहड़े ने नाउज़ बिल्ला लज़ीम के मिर्जा कादियानी ने कहा है कि मेरे जिहड़े पंज वजूद ने ना मेरे चो निकले पांच बच्चे तीन मुंडे दो कुड़ियां नाम लेके उन्हें कहा कि ए ने हुण पांच तन पाक। शेर मिर्जे एक नजर वेख लो मैं फिर बंद कर लगा यूट्यूब अब्दुल गफार जंबा का दावा नबूवत है मेरी ही वीडियो ने सारिया मेरिया वीडियो ने चलो बड़े सारे कादियानी पता ही नहीं और राती बड़ा शॉकिंग न्यूज सी कि टोनी ने कहा कि साडे वास्ते पंज तन पाक दा वजूद मिर्जे कादियानी दे तो बस तवर बच्चे ने नजायज करो गल तुझे मैंने वीडियो दे जी ओ पंज तन पाक जेडे ने उन्ने ते ओ कई किताबां च ए चीज मेंशन कीती है ना उम्महातुल मोमिनीन ओ आंदा है मैं उम्मुल मोमिनीन है। अच्छा ए भी कादियानियां कोल एक सवाल है के और हुरमत बीबी सी जेडी फज्जे दी मां ओ भी उम्मुल मोमिनीन है जे के नहीं क्योंकि ओ भी मिर्ज़े दी बीबी सी। नहीं नहीं उन ओ नहीं है ओ नहीं है ओनू ते भुख दे लाले दे के मारिया है और कादियान दे विच कई बजुर्ग मैं मुफ्ती साहब ऐसे देखे सन जेड़े मिर्जे नू और इस्लाम नू इस वजह तो नफरत करदे ने कि इस्लाम ए सिखांदा है तुहानू कि तुसी अपनी वडेरी बुढ़ी ओनू भुख ते दुपट्टा ओहदा कहिंदे पाटा हुंदा सी और बड़े भैड़े ओहदे हालात होए ने आखरी उम्र च लेकिन सुल्तान जेड़ा सी ना ओहदा मुंडा ओहने मां नू संभालिया जिन्ना जो गाया सी लेकिन मिर्जे कादियानी ने उन्हों भुख ना तड़पा के मारिया सी। बिल्कुल और दूसरी बुढ़ी जेड़ी है वो छनन छनन पजेबा पा के निकलती हुंदी सी बकरियां तरह ते ए जेड़ी है गैर महरम लड़कियां दे नाल बड़ी खुश रहंदी हुंदी सी ते किसे ने आके कहा के हजरत मसीह साहब तुहाडी वाइफ जेड़ी है वो गैर महरम लड़कियां दे नाल वेखो की कर दीजे पई ते आंदा जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं इनू करन दे जो कर दी है
और एदे तो बस फार मुफ्ती साहब मैं सुबह सुबह कहना नहीं चाहती। सानू बचपन च दसिया जाता सी कि वो इन्नी लाडली सी, इन्ने प्यारे कपड़े पाती सी, क्योंकि ये तो बस सुन्नते रसूल है। और हजरत मैं कहना नहीं चाहती कि ओ बीवी ने नाल हजूर खेडते सन, वह भी गली च खेडते रहते होंगे सन, इसलिए मिर्जे की बुढ़ी तो कोई गल ना करे है। ऐ सानू बचपन च सिखाया जाता सी, और लेकिन जदों वड्डे हो के पता चले तो ये तो मेच्योर लड़की सी जिहड़ी बड़ी मॉडर्न ते फैशनेबल, और इन्नी ज्यादा गुरबत है, वड्डी बुढ़ी कोल इन्नी गुरबत, सालन भी नहीं है। तो ये मतलब 35-36 मौलवी घर वाड़ के उन्हां दे नाल बड़ा अच्छे लिबास पा के, चूड़ी पजामा तंग पजामा बहुत पसंद करते सन, गोटे वाले वाला ना अम्मा जान, गोटे वाले गोटे किनारी वाले पजामा पा के। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं सी होया, मेरे परदादा वापस ही नहीं जिंदगी च घर आए, मिर्जे की बैत करके बस उत्थे ही वड़े रहे। फिर वो बीवी नू यानी कि मेरी परदादी नू जेडे पिंड दे सिख सिख चीजा उन्हां नू ते नहीं पता ना कि ये कौन है भाई, वो ते मुसलमान ही समझते होंगे ना कि की करदा पिया है घर, 6 मरले दे घर विच इन्ने सारे बंदे वाड़ के, ते बुढ़िया लोगों मतलब सोना चोरी करा लिया। मेरे पड़दादे ने मेरी पड़दादी की नत्थ बगैर पुछियों चोरी लै गया सी मिर्जे नू देण वास्ते। हिसाब लाओ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੁਸਰਤ ਕਰੋ ਜਹਾਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨੱਛੋ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੈਲੀ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ, ਤੇ ਨੱਛੋ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਟਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ 100-100 ਦਫ਼ਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਜੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰ ਇਲਹਾਮ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਟੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਦਾ ਘਰ ਯਾਨੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਛਵਾੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆ ਤੇ
यार है पोस्टर सही नहीं आंदा पे चीफ ऑफ आलमी अमराज मिर्जा गुलाम कादियन। चलो जिन्ना को है ठीक है गुजारा हो जाएगा। असल में बात यह कि हमें मिर्जे कादियानी की बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, हम कब कहते हैं नहीं लगती। रोला असल में यह था कि मिर्जा कादियानी ने यह कहा था कि मुझे वहियां नाजल हुई हैं, मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि हमने तेरी सेहत का ठेका लिया है। जी जी तज़करा के सफा नंबर 803 के ऊपर लिखा हुआ है। फिर मिर्जा कादियानी कहता है रूहानी खजान जिल्द 17 सफा 419 के ऊपर कि उसने मुझे बराहिने आमदिया में बिशारत दी कि हर एक खुबस आरजा से तुझको महफूज रखूंगा और अपनी नेमत तुझ पर पूरी कर दूंगा। हत्ता के मिर्जे कादियानी ने जेडे लोकां दे नाल मुनाजरे किते और मतलब दावे किते के और मुनाजरे इस तरह दे सन के भाई अल्लाह पाक जड़ा वे झूठे नू जड़ा वे ओ बीमारियां लाएगा ते सच्चे नू जड़ा वे ओ सेहतमंद रखेगा। ते ओ हुन एक वाकया तुन मैं लिखना एक किताब है ताजियाना इबरत सफा नंबर 62 दे उत्ते मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब उन्हां दे नाल इंज दा कोई एक मुनाजरा होया ते ओ हुन उस रूह दाद नू लिखदे ने। ऐ सुनिया जी लिखते हैं जनाब दुराने मुकदमा मिर्जा जी और इनके साथी फजल दीन तरह तरह की आफाते समावी और अमराजे मुहिबा में मुबतला होते रहे लेकिन फरीके सानी को इन अयाम में सर दर्दी तक भी लाहेक ना हुई। जो इस बात की रोशन दलील है कि तईदे आसमानी फरीके सानी के शामिल हाल थी। मौलवी साहब जिस मर्दानगी और हौसला से दुराने मुकदमा साबित कदम रहे और बावजूद बेवतन और तन तनहा होने के हर एक मरहला पर इस्तेकलाल से लड़ते रहे बाजुज ताईदे एजी के ये अमर बिल्कुल दुश्वार है। क्या मर्जियों को वो वक्त याद है जबकि हकीम फजलुद्दीन असनाए तहकीकात मुकदमा में एक नागहानी सख्त बीमारी में मुबतला हो गए थे और इनके पीर भाई इस हालत में चारपाई उठाकर इनको कमरा अदालत में लाए थे और दिन भर कमरा अदालत में लेटे रहे। यानी मिर्जा कादियानी और मिर्जे कादियानी दे जड़े साबी सन जैली साबी सब ही अमराज दे विच गिरफ्तार। मिर्जे कादियानी नू 101 बीमारी लगी हुई सी। हाँ जी और मेरे सामने एक किताब मौजूद है, किताब का नाम है जी मिर्जा कादियानी का तिब्बी मुहासबा, सादक अली जाहिद साहब की यह किताब है। हजरत अल्लामा मौलाना मनशा ताबिश कसूरी साहब उन्होंने तकरीज भी है, अवैसी बुक स्टाल ने इन छापे है। हूँ इन्होंने जी फहरिस्त जारी की है मर्जा की, उधरा मैं इतने पढ़ के सुनाना वा लंबी चौड़ी किन्ने अमराज 270 अमराज 270 अमराज की लिस्ट इन्होंने जारी की है और हवाला जा दिते ने किताब दे विच वेख सकते हो। लो जी अमास सोजश अशोभे चशम आंखों से पानी जारी होना आंखें बंद आंखों का दर्द आंख दुखना आंख कमजोर होना अच्छू आना यानी गोते लगना अब मरा के अब मरा अथू आना एहतलाम आब कहीं आना इस हाल यानी टट्टियों का मर्द पूरी जिंदगी मिर्जा का यानी टट्टी मुतर करता रहे उल्टी आना इस हाले खूनी यानी खूनी पेचस असाबी कमजोरी असाबी मरज अजा पर राशा अंगूठे का नकरस अंगूठे की सोजश अंगूठे की सुर्खी उंगली पर जख्म अफियून खोरी एक एक बाल से आग निकलना
बेटे की बीमारी, बाल तोड़, बुखार, बुर्दे अतराफ। अच्छा ओ फिर ना मर्दी का मर्द भी इन्होंने लिखे है। अच्छा, बार बार कजाए हाजत को जाना, बदन में दर्द, नाक सो जलन, बदहवासी, बुजदिली, बेंगापन, बुलक्कड़पन, बेताबी, बाजू पर स्याह दाग, बदन सर्द, बदन दबवाना, बदन को ना सहारना, बवासीर, बेतवज्जुही, बेदारी, बेचैनी, बेहोशी, यानी पित्त, गर्मी दाने, पखाने का मसला, पट्ठे खेंच जाना, पागलपन, खांसी, पुरानी खांसी, फटी हुई एड़ियां, फिंसियां, पुश्त पर फिंसी, पेचस, पैर झुलसना, पेशाब की तकलीफ, पांव की सर्दी, पांव भारी होना, तप, तशन्नुज, तशन्नुदे, तशन्नुजे दिल, तन्हाई पसंद, 30 साल पुराना सर दर्द, तमाम बदन सर्द हो जाना, तअल्ली बाजी, टीबी, तखने का फोड़ा, साबित शुदा बीमार, जिस्म मुनखी होना, जिस्म बेकार, जुलाब, जलून, जरियान, जलन, चिड़े मार, चश्मे नीम बाज, चीख कर गिरना, चक्कर आना, चेहरा जर्द होना, हाफसा अबतर होना, हाफसा कमजोर होना, हैज आना, हमल होना, हालत दगरगु, खारश, खतरनाक दुराने सर, खफकान, खून खत्म हो जाना, खून की उल्टी, खून के पखाने, ख्वाब में औरतों से मुलाकात, खुश्क खांसी, खफीफ दौरा, दाढ़ में कीड़ा, दांत में दर्द, दांत खराब, दायां हाथ कमजोर, दायमी मरीज, दर्दे सुलभ, दबुआने से आराम आने वाली बीमारियां, दर्दे गोश, दर्दे चश्म, दर्दनाक हालत, दर्दनाक जलन, दर्दे गुर्दा, दर्दे सर, दर्दे शदीद, दर्दे जह, दस्त, दुआओं से ना जाने वाली बीमारियां, दिल का मर्ज, दिल का इस्तराब, दिल की बीमारी, दिल घुटना, दिमाग पर कमजोरी का हमला, दिमाग में फतूर, दिमाग कमजोर, दम उलट जाना, दम घुटना, दोरिये मर्ज, दूध हजम ना होना, दिक, दवाई खाने में बेसबरा, दुराने सर, दौरे, दुराने खून का रुक जाना, दुखी जिंदगी, दीवानगी, डरपोक, जहूल, ज़ियाबेटिस, रीज़श, रिसम परस्त, रसम परस्त, रमजान के दौरे, रन मुरीद, रतूबाते मेदा, रींगन का दर्द, जुबान भारी होना, जुबान बंद होना, जुबान की तकलीफ, जुबान पर जख्म, जुकाम, जुबान में लुकनत, जहीर, जिंदगी सर्द, जमीन पर कदम ना जमना, सांप ने काट लिया, समझ ना आना, सांस खेंच खेंच कर आना, सांस लंबा होकर आना, सांस रुक जाना, सख्त बीमार, सख्त बुखार, सख्त दौरा, सर घूम जाना, सख्त दर्जा का आर्जा, सर दर्द, सर्दी से मतली, सर्दी की शिद्दत महसूस करना, सर में चोट, सर के बाल पतले, सफेद बाल, सिल, सुस्ती छाई रहना, स्तंभर की बीमारी, संकापी, सोजन, सेलाने दिमाग, सुदावी अमराज, सीने पर अंगारे रखे हुए मालूम होना, शिद्दत रिमद, शुगर, सरा, जोफ, जोफे दिमाग, जोफे कलब, ताउन, ताकत तहरीर ना होना, तबीयत में घबराहट, तबीयत सरगर्दान, तबीयत अलील, तबीयत बीमार, तबीयत गिरना, असबी तकलीफ, अदमे बर्दाश्त, असबी कमजोरी, आवारज़े ज़ौफ़,
अलालते तबा गरगराए मौत गशी गनूदगी फालज कबज कदम जमीन पर ना जमना कदीमी बीमारी कह आना करीबुल मरग कुलंज जहीरी किल्लत हरारत अजीजी कर्ब नकल का खदशा कार्ब नकल का खदशा काहली कान दर्द काली बला नजर आना कसरत पेशाब किबरो नखुवत पसंद कमिये ख्वाब कमजोरी का हमला खांसी और जुकाम खांसी काली खांसी कैंसर करवट बदलना मुश्किल गोया बदन में रू नहीं गर्दन के पट्टे खेंच जाना गोड़ का रसिया घबराहट गपोड़िया घुटने का दर्द गर्मी दाने गला पक्का हुआ गिल्टियां गंजापन लचारी लताड़ा लड़खड़ा कर गिरना लव किस्से कहानियां सुनने की बीमारी माइथोपिया ममूली फिंसी मर्ज का गलबा मर्जे दवार मर्जे बोल मर्जे सदर मराक मुख्तिलुल दमाग मुतहम्मिल जिस्मानी कवा मिर्गी मुस्तर बाना हालत ए मैं नोशी का आदि मौत पीछे पीछे मसलूबुल कवा मेदे से खून आना मुंडा मुंडा कमजोर मर्दमी हालत का लदम मौसमी बुखार ना मर्दी नऊज कल अदम नबज बंद नबज ज़ईफ नबज बहुत कमजोर नरूस पाल पोरिया नजला नोकदार दाढ़ नीम पागल नीम बंद आंखें नसियान ना ताकती नौकर वहेटी दा नौकर वोटी दा नजर कमजोर वज उल अजन हाथ पांव ठंडे होना हिस्टेरिया हाथ पैर सर हाथ में चोट हाथ में गदूद होंठ खुश्क होना होलनाक अवारिज हैजा यानी मर्दुल मौत जावा गोई। ये देखे तकरीबन 270 अमराज इन्होंने लिस्ट मैंने अभी पढ़ के सुना दी है। मुफ्ती साहब एक बीमारी भूल गए हो जी, चंदा खा के डकार ना मारना। हाँ जी, नहीं वो मैं नहीं जो किताब ते लिखा सी वो मैं लिखता है, इधर तो होर भी बढ़िया अगर मैं लिखा ते कोई 100 को मैं होर इधर इजाफा कर सकना हूं। ते ओ ते चलो हजरत मौलाना जाहिद अली सादक अली जाहिद साहब की अपनी तहकीकात ने ना ते पूरी जिंदगी सानू रोलाया नहीं है कि मिर्जा कादियानी नु बीमारियां सन। बीमारियां कादियानी कहंदे ने जो ते इंसान सी ते बीमारियां ते होंदियां ही ने। ओ भाई एदा रोला नहीं, रोला है वे कि मिर्जे ने क्या सी मेरे खुदा ने वादा किया कि असी तेरिया बीमारियां दा तेरी सेहत दा ठेका लिया है तेनू कदी नहीं कोई बीमारी आनी। हां रोला वे चाहे वे ते कादियानी जेड़े ने ओ चुके लै जांदे ने लो जी ओ फलान नबी नु भी बीमारी होई सी ते फलान नु भी होई सी। ओ मिर्जा कादियानी खुद कहंदा पिया के मेरे खुदा ने मैनू कहा तेनू कोई मोहलक ते कोई ऐसी खबीस किस्म दा मर्ज नहीं होएगा। हां खबीस आरजा से तुझे मैं महफूज रखूंगा। मिर्जे ने खुद किए जी। अब दोस्त बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब जे जिहड़ियां बीमारियां तुसीं दसियां ना सारियां सके प्यो नूं डॉक्टर दसे ना कहनियां तेरे पुत्र नूं बीमारियां, वो कहना डॉक्टर साहब तुसीं मैनूं पुत्र वापस दिओ घर मंगा के वो अपने हथी पुत्र नूं कुचला दे छड़दा। बच्चे कहन ते मजबूर हो जांदे ने मुफ्ती साहब जदों सुना रहे सन के मौला बस मौला बस मुफ्ती साहब 2010 की गल है, एक इंडियन सी इत्थे ते मैं बस फिर ज्यादा चाहवांगी। ओ ना जिस तरह हिंदुस्तानी नहीं उर्दू बोलदे उस तरह बोलदी सी ते ओ ना मैनू पता नहीं सी ते ओ मेरे को ना कपड़े सिलवांदी हुंदी सी खरीददी भी हुंदी सी मैं कपड़िया का काम करदी हुंदी सी ते एक दफा ना उन्हें कहा कि मैं थोड़ी मेरे बच्चे बीमार ने तो मैनू घर पकड़ा देना ते मैं ना उन्हें पकड़ान गई। बड़ा मतलब ओ बच्चे वास्ते चीजा वगैरह लैके बड़े प्यार
फार्म अपना पहली दफा मैं उसके घर गई मुफ्ती साहब वो ना मैनू चाय बनाने चली गई तो उन्हें ना मैनू अपनी एल्बम दिती कहती है मेरे ना मम्मी पापा साढ़े बचपन तस्वीर ने तू एल्बम देख टीवी का उदो इन्ना मतलब दौर दौरा नहीं सी ते मैं चाय बना के लिया नहीं मुफ्ती साहब वो किचन च चली गई तो विच एल्बम ने ना पुरानिया तस्वीर तो बाबिया बूबिया दी ना तो विच मिर्जे की फोटो आ गई मैं चूंकि उस टाइम कादियन नहीं सी मैं उन्नू कहा तस्नीम बाजी ए कौन है भाई ना मैं अनजानी जी उन्नू नहीं सी पता कि मैं मतलब अहमदी हाँ मैं क्या यह कौन है कहती कि ना मेरा जड़ा दादा परदादा सी ना वो कहती इतने गया सी कादियन तो ये ना कहती इसने काबू कर लिया पैसे वगैरह छीन लिए तो ना वो बैत कर ली ना उन्होंने फिर दो तीन महीने बाद हमने मतलब तोड़ दी थी इसकी बैत ये तो फ्राडिया था ना वो पता नहीं है टॉयलेट में जो मरा था इस तरह मैं क्या अच्छा अच्छा सुनिया है मैं भी अच्छा ते मतलब इंडियन ओ, ओ, इंडियन दे कार विच इहदी फोटो देख के ना उहदे वड्डिआं नूं मैनूं बड़ी शॉकिंग लग्गिआ कि लोक देखो फिर पछाण लैंदे सन इहनूं थोड़े थोड़े अरसे बाद छड्ड के दुनिया मतलब ना जेबां खाली कर दित्तियां इन्हें अल्लाह दे नाम ते कहिंदा पैसे मैनूं दवो ते ओह कोई होणगे मतलब बेचारे दूरों आए हुए होणगे उर्दू स्पीकिंग वैसे ना ते कहिंदी इह ते लुटेरा सी ते गंदगी च मरिया इहदे मूंह चों निकल रिहा सी ते बहुत झूठा आदमी सी दज्जाल सी ते ओह बहुत ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸੱਵਦਾਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਫਤ ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਨਾਬ 1965 ਦਾ 1963 ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਹੈ ਸੋਰੀ 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 52 ਜੀ 1952 ਆ 28 ਅਗਸਤ 1952 ਇਹ ਲਿਖੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਖਾਰੋ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਤ ਕੀਆ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਕੋ ਜਬ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬੋ ਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਯਾ ਤੋ ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਯਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਚੁਨਾਚੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਤ ਕੋ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਾ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਮੇ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਕੇ ਖਾਣੇ ਚਨਵਾ ਦੀਏ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਤ ਨੇ ਜਬ ਅਨਵਾਓ ਅਕਸਾਮ ਕੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਗਲਨੇ ਲਗਾ खलीफा वक्त ने कहा नबी साहेब अब भी सिलसिला इल्हाम जारी है या नहीं तो मुद्दे नबूवत ने नहायत मताना से जवाब दिया जी हाँ अभी अभी वही आई है कि मेरा रब फरमाता है कि ए मेरे प्यारे नबी इस बवर्ची खाने से कभी मत ना निकलना इस हकाये से मालूम होता है कि हजूर खातमुन नबीन वल मुरसलीन वल मसूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत वही कर सकता है जो या तो दीवाना और हिस्टेरिया और पागल पागलपनी का मरीज हो या पेट का भूखा हो और दुनियावी तलब दुनियावी तलबिये का सूं इसके दिमाग दुनिया तलबी का नसूर इसके दिमाग में पैदा हो गया हो फिर आगे वो बड़े हवाला जात देते हैं और कुछ मैं आपकी नजर करता हूं
यहाँ पर वो देखे मिर्जे के इल्हामात हैं जी, इसको नोटों के ख्वाब आ रहे हैं, वहियां नाजल हो रही हैं। चुनाचे मिर्जा जी फरमाते हैं एक दफा कशवी तौर पर 44 या 46 रुपए दिखाए गए और ये भी इल्हाम हुआ कि माजे खान का बेटा और शमसुद्दीन पटवारी जिला लायलपुर से भेजने वाले हैं। चुनाचे इसके बाद कार्ड आया जिसपे लिखा हुआ था कि 40 रुपए माजे खान के बेटे और 4 रुपए पटवारी की तरफ से है। सुन लिया मुकाशिफात का सफा नंबर 3 और नजुरुल मसीह के सफा नंबर 409 के ऊपर ये लिखा हुआ। एक दफा मुझे कती तौर पर इल्हाम हुआ कि 21 रुपए आएंगे। हेलो नजुरुल मसीह सफा 128। अगे सुनी जाया जी। एक दफा मुझे दो आदमी दम्मी की लिखे दम्मी आदमी अब्दुल्ला खान डेरा इस्माइल खान मैंने सबको इतला दे दी के इसका नाम किस शख्स से इस नाम के किसी शख्स के रुपए आएगा। हाँ इस नाम के किसी शख्स के रुपए आएगा। नजुलुल मसीह 155। ठीक रोया में दिखाया गया कि एक लफाफा है जिसमें कुछ पैसे निकल कर बाहर आ गए हैं। अल बदर सफा 5 और पता नहीं है 1895 लिखे है। और फरमाते हैं कि रोया में दिखाया गया कि कुदरतुल्ला की बीवी रपों की एक ढेरी सामने पेश करती है। अल बदर 38 सफा 195। और कहते हैं कि आलमे कशम में देखा कि आसमान पर से 1 रुपया उतरा और मेरे हाथ पर रखा गया। मुकाशफात सफा 58। आगे बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है कि कितने हवाले मैं सुनाऊं, पैसे रुपये नोट ये वो। आगे यहाँ पे लिखा भी है कि मिर्जा कादियानी कहता है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था वो हवाला, मिर्जा कादियानी कहता है एक वक्त वो था कि मैं गरीब था फकीर था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मेरी गुर्बत की वजह से मुझे कोई मुंह भी नहीं लगाता था। ये भी हवाला इसमें है, वो मैं अभी पढ़ रहा था वो भी हवाला। तो बाद में वही इसने नोटों के लिए ये काम शुरू किया था सारी। तो मुफ्ती साहब फिर वो कितने वो दावा थे कि कसी बड़े रईस तो ਸਾਡੀ ਕੁਸੀਨ ਚ ਬੜੇ ਕੋਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜੇ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ 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 ਐ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੜ ਲਵਾਂ। 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰ ਉਹ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ ਸੇ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਫਕਤ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਔਰ ਰੋਟੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਥੀ ਔਰ ਮਗਰ ਅਬ ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਦਾਵਾ ਨਬੂਤ इसने कई लाख आदमी को मेरे दस्तरखान पर रोटी खिलाई। डाकखाना वालों से पूछो कि किस कदर रुपया उसने भेजा, मेरी दानिश में 10 लाख से कम नहीं। ऐ ईमान वालों कहो कि ये मौजदा है, मौजदा है या नहीं। चलो नोट आनो ने मौजदा रख लिया। 10 लाख उस दौर का 10 लाख के जिदू 16 आने दा किलो गोश्त आंदा सी जी। और मुफ्ती साहब 50 रुपए लगदे सन मक्का छोटा गोश्त, छोटा गोश्त 16 आने दा आंदा सी किलो। हां जी 50 रुपए च मक्का मदीना च वो बंदा रह के आ जांदा सी। आहा 50 रुपए तो 10 लाख रुपया तुसी वेखो उस तौर से। हां ते हवाला भी इहदा नोट कर लो ना, नजुलुल मसी ओल्ड एडिशन सफा 118। हवाले सारे दिते ने उस बंदे ने। मोची साहब इतने तो फिर गैर सियासी गल हो जाती है ना। मेरी तो पाकिस्तान में लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। नहीं तुसी केड़ा कल्ला माफ कर कोई दावा शावा किया है मोची साहब। जी मुफ्ती साहब ने ओ नूर नूरुद्दीन नु एवी क्या सी ना कि 50 ओ किदा
ਉਹ ਨੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਨੋਟ। ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਪਾੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇਹ ਮਕਤੂਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਕਤੂਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਖਤ 'ਚ ਦੂਜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤ 'ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਖਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾ, ਚੋਰ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਇਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਨਾਰਾ? ਮਨਾਰਾ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਚੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਦਮਿਸ਼ਕ ਕੇ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮਿਨਾਰਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਕੰਧੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮਿਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਆਂਦਾ? ਉਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮਿਨਾਰਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਹਨੇ 1907 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 8 ਚ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਚ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਰਡਰ ਲਾਏ, ਆਰਡਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੋਡੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1916-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੂਰੋਦੀਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ 12 ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਤਰੇ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਦਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰੋਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਕੀਮ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਏ ਤੇ ਬਾਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੂਰੁਦੀਨ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ, ਝੂਠ ਦਜਲ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਖਿਆਲੋ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ, ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਜੰਬਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਬੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਕਦਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦਾਦ ਪਰ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਬੇ ਨੇ ਘੇਰੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਸਰੂਰੀਏ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਟੀਏ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰੀ, ਲੋਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨੀ ਜੀ, ਆ ਲੋਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਗਰੋਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੌਮ ਘੇਰੀ ਸਾ ਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਕਿਸਮਤ
किस्मत चंगी ओदी नहीं सी है ते ओ आया पाकिस्तान इत्थे सानू लग गया पता कि ओ अपने ते ओ फड़िया गया। नासर सुल्तानी ओ भी इन्ना दे विचो ही सी। हां जी हां जी हां जी। अच्छा अच्छा। पोस्टर भी जारी कीता वे बड़े कोई है 8-9 साल पुराना मेरा एक पोस्टर है मैं लभना वा मेरे नु नजर आ जाए ते मैं जो है फान साहब ए पॉलिटिकल ब्रॉड नहीं है तो प्लीज कमेंट्स जेड़े ने ना रद्द कर दिया नहीं थे होने चाहिए जी। कमेंट माफ कर दिया करो ना म्यूट सारे ही ओ हाइड कर दिया करो जिन्ने आनी है गल करनी सामने आके करे ना चलो जी कह दियो बंद कर ले दे होंदे ने ताकि ए देखो ना पोस्टर आजत ने बनाया बड़े पुराना पोस्टर है जमाते अहमदिया इस्लाह पसंद ए फिर अहमदिया लोरिया फिरका है मोहम्मद अली लोरी का फिरका फिर ग्रीन अहमदिया फिरका है मिर्जा रफी अहमद का फिरका फिर जनाब है जमाते अहमदिया हकीकी है जे नासर सुल्तानी। लाहौरी ग्रुप है ना इना को भी बहुत ज्यादा अमीर ने और इना को एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जे और इना दे लाहौरी ग्रुप दे बंदे ना इना दे विच भी प्लांट जे जड़ा वड्डा ग्रुप है ना एमदिया दा मसरूरी ग्रुप ए प्लांट ने क्योंकि मेनू नहीं सी पता मुफ्ती साहब जे मैं भेज छड़े। अच्छा मुफ्ती साहब ओ ना इत्थे लाहौर दी एक फैमिली सी ते ओदी ना उन्ने शादी कीती पुर्तगाल दी औरत नाल ते ओ ना बड़ा सदर बनिया सी ते ओ मैं जी तो पाकिस्तान जाना सी ना मुफ्ती साहब एक दफा ते उन्ने अपने मां बाप ली ना तोहफे तहाए भिजवाए के लाहौर ने मेरे मां बाप बड़े बुजुर्ग ने ते मैं ना अपनी वालदा नू लिया सी गड्डी करवाई चले गए मुफ्ती साहब ओ जदों असीं उन्हां दा घर पता कर रहे ना उत्थे उस इलाके जाके ते ओ लोगों ने सानू कहा कि लाहौरी पार्टी वाला बशारत मैं क्या नहीं लाहौरी पार्टी वाला तो नहीं हो तो मुफ्ती साहब सचमुच जो असी उन्होंने घर गए तो मुफ्ती साहब उन्होंने घर लाहौरी पार्टी वाली फोटो लगिया क्रीमुद्दीन दिया इतने इन्हों का एम दिया का सदर बनिया इतने गोल्ड लोगों को इकट्ठा कर रहा इतने चंदे दिया तहरीक चला रहा तो मैनू पाकिस्तान पता चलिया कि ए ते लाहौरी ग्रुप दा बंदा वा ते इस तरह भी प्लांट ने इन्हां दे फितने दे विच फितने वड़े जे मैं ना वा जी एक बड़ा वड्डा साडे आ तुहाडे पाकिस्तान दा निसाब दे विच स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विच एक बड़ा नाम है प्रोफेसर गुलाम रसूल चीमा जी जी मैं किताबां भी पिछले दिनी मैं बहा रिया वा यकीन मनियो ओ लोरी कादियानी जे और साढ़े निसाब साढ़े बच्चों नू पता ही कख नहीं हुण दसो बंदा की करे जनाब जी ऐ ना मैं ए जेड़ा वे अपनी प्ले लिस्टा चेक कर रहा सां ते एक प्ले लिस्ट मैनू मिल गई ते ऐप कोई पुराना काम मैं कीता सी ते ओ एवी मेरे नू ना नजर पै गई मैं तुहानू विखाना वा एलो ऐ वेखो यार की कर यार डबल टैप कर दे रो प्लीज ऐ वेखो ना प्ले लिस्टा दे विच ऐ प्ले लिस्ट च ऐ ऐ ऐ जिदे ते मेरा माउस ऐ जी ओ ए मैं बकायदा ओ ए गुलाम रसूल चीमा है ना प्रोफेसर थले लिखा भी है प्रोफेसर गुलाम रसूल का इंटरव्यू समझ आई कि नहीं ते एदिया ओ किताबा जे ए पिछले दिन मर गया वे ते चलो ओ ना मैं ज्यादा देर
कैमरा ऑन नहीं रख सकता वो मसाइल बन जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, तो बहरहाल वीडियो वेख लिया जे उत्थे जाके हुण ओह पांच पांच वीडियोज मैं रखियां जे इहदियां ते की बंदा की करे किन्नू की समझाए। चलो मैं सर्च कर नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन मैं एक गल तुहानू सिदके दिल नाल दसा कि मेरे दिल विच बहुत ज्यादा नफरत और चीज़ां है ने, लेकिन बहुत सारे लोग ने मुफ्ती साहब एम दी जिन्हां नू पता ही नहीं है कि असी किधर टुरी जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये है असी पैसा देना है ते चंदा देना है ते बस असी सच्चे हैं, असी सच्चे ऐ। सोशल मीडिया की वजह तो इन्ने लोग सवाल जवाब, हाँ जी इन्ने लोग सवाल जवाब कर रहे ने और बुनियादी सवाल जवाब ने जेडे बेचारियां नू पता ही नहीं है कि ओ सिर्फ ये कि मौलवी बड़ा भैड़ा है, मौलवी बड़ा मतलब मौलवी नहीं सही, वह मौलवियों की नफरत विच उन्हां नू कुछ भी नहीं जे पता है। वेखो मैं कुछ वहा रहा वा हूँ, वेखो इस्लाम के उत्ते इस्लाम याद दिया किताबा बनाईया सुना हूँ सारिया पढ़ाई जा पाई लोगों पता ही को नहीं है, अवेयरनेस ही को नहीं। वेखो तो सही मुफ्ती साहब ये भी मैं फोटोज भेजना, मैं ना ये भी एक वीडियो बना वे दोस्तों ए कंपेन पूरी चलानी चाहती है। मैं भेजना जी बिलकुल है, सारिया तस्वीर भी भेजना और भेजना शायद भाई तुसी भी एदे ते बना के लाओ अपने अपने हर कोई अवेयरनेस फैलाए। अवेयरनेस जरूरी है, कौम नू पता नहीं जे है यकीन मनियो, कौम नू दसो भाई बच्चे ने बच्चियां ने इन्हां नू बस कोई समझा नहीं है कोई पता नहीं। मैं ओना प्लेलिस्ट दा भी लिंक सेंड करन लगा वा ते हेलो ऐ प्लेलिस्ट भी तस्वीरां भी मैं बाजी सब कुछ तुहानू ना सारा डाटा सेंड कर दिया। ठीक हो गया, ठीक है शायद भाई इंशाल्लाह भाई मुझे चंदा सिस्टम मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है नहीं मैं सेंड कर देना वा, चलो मुझे भी कर दियो मुफ्ती साहब मैं भी फ्लो लिख कर देना जनाब कर दे गुड मॉर्निंग हेलो कर दे। ठीक है मुफ्ती साहब मेरे काम जी अल्लाह दे आसरे दे जी, दुआवां च याद बहुत शुक्रिया तुहाडा, अल्लाह सलाम दी अता फरमाए। अपने राजपूत जी उस्ताद मोहतरम ए भाई जी कोई जामिया खत्मे नबूवत दा कोई हदफ ते अपना लिखवा दियो। उस्ताद मोहतरम मैं तुहाडे नाल व्हाट्सएप ते राबता करना। चलो ठीक है काशिफ भाई, काशिफ भाई ने हुण बोलना ने मेरे ख्याल नाल मसरूफ ने मसरूफ हो जांदा हुंदा जदों जिदू 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 गल हुंदी है ना ते उदू ऐ चुप हो जांदा हुंदा है क्योंकि मेरा बच्चा है मैं इहनू जानना वा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖੋਲ ਛੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ ਬਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਸ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है जी, रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइव बंद करके कह दियो तो मैं कॉल कर देना। नहीं नहीं कोई नहीं, वो बाद चु कर लेंगे, तुसी अजे ब्रॉड करो। चलो ठीक है ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो जी इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौक़ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौक़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़ के ज़िम्मेदार नहीं।